पंजाबिस्तान की जानिब तो डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर जी की किताब तर्क वेद विचों एक रचना व्याह भाग दूजा। जदों धियां पुत्र अचानक आग्याकारी बन जाण तां समझो ओ बाहर कोई वर्जित रिश्ता उसार रहे हन। शिकायत कीती जांदी है कि अजोके युग विच व्याह असफल हो रहे हन, जदों के असलियत यह है कि जीवन के होर खेतरां वांग व्याह विच भी असी वन सुवनता पालदे हाँ। हुण असी घड़ी जां बूट जां सूट जां पेन जां सोफा आदि नवे डिजाइन अते नवे फैशन का पसंद करते हाँ। यही हाल रिश्तियां दा हो गया है। नवे रिश्ते नवे फैशन वांग वधेरे लुभाउणे हुंदे हन। प्रश्न उठता है कि हर वेले लड़न झगड़न वाले पति पत्नी तलाक दे लैके होर व्याह क्यों नहीं कर लैंदे। उत्तर स्पष्ट है कि व्याह उपरंत बगावत करन दी हिम्मत घट जांदी है। सो जिवें किवें गुलामी दा जीवन जिउण दा ढोंग रचाया जांदा है अते अंदर खाते हर कोई अपनी समर्था अते साधना दे अनुपात विच साजिशां करदा रहिंदा है पर सफलता नहीं मिलती। प्यार आदर्श वर्तारा हुंदा है जदों कि व्याह यथार्थक अमल हुंदा है। इन्हां दोवां दा सुमेल कदाचित संभव नहीं हुंदा। प्यार एक इनकलाबी अनुभव है जदों के व्याह नरम ख्यालीए अते समझौतावादी होण दा नां है। कई तां इत्थों तक कहिंदे हन कि व्याह दो बंदियां वल्लों रल के कीती गलती हुंदा है अते दोवें इस गलती मगरों अनेकां गलतियां रल के करदे हन अते जिंदगी बीत जांदी है। कईआं लई व्याह श्राप हुंदा है अते कईआं लई वरदान। व्याह है तां वरदान पर अनेकां इस नूं श्राप बना लैंदे हन। व्याह दे रोशन पक्ष भी हुंदे हन। एक सफल पति ही सफल मनुख हो सकता है। संभोग दे खेतर विच नवे नवे प्रयोग अपनी पत्नी नाल ही संभव हुंदे हन। पति पत्नी दे काम संबंधा विच घटदी शरीरक शक्ति आम करके संभोग दी सुधरी तकनीक नूं जन्म दिंदी है। कोई व्यक्ति किन्नी भी रिश्वत क्यों ना लैंदा होवे उस दी असलियत उस दी तनखाह अनुसार हुंदी है। कोई व्यक्ति बाहर भावे किन्ने ही रिश्ते उसारे हंडनसार अते तसल्ली वाला रिश्ता अपनी पत्नी जां अपने पति नाल ही संभव हुंदा है। कई पति पत्नी इस हद तक एक दूजे नाल जुड़े हुंदे हन कि ओह एक दिन भी वक नहीं रह सकते अते नैन नक्शां दे पक्खों ओह पति पत्नी नालों वधेरे भैण भरा प्रतीत होण लग पैंदे हन। सहनशीलता दी उत्तम मिसाल व्याह दी 50वीं वरेगंढ हुंदी है। व्याह तों बाहरे रिश्ते प्यार वाले नहीं केवल संभोग वाले ही हुंदे हन पर इह रिश्ते तृप्त नहीं करदे। व्याह दा अतीत वर्तमान अते भविख हुंदा है जदों के नाजायज रिश्ते दा कोई भविख नहीं हुंदा। नाजायज रिश्ता केवल कब्जा हुंदा है अते हनेरे अते जुर्म दी भावना वाले वातावरण विच एक दूजे नूं उजाड़न दा अमल हुंदा है। ओह व्याह बड़े सफल हुंदे हन जिथे पति दिमाग अते पत्नी दिल दा रोल अदा करदी है। आम करके पत्नियां चाहुंदियां हन कि उहनां दे पति सियाणे अते दृढ़ इरादे वाले होण। कई लोग पैसे दे लालच विच व्याह करवाउंदे हन पर उहनां दे हत्थ केवल पर्स ही आउंदा है। जिहड़े अपनियां पत्नियां नूं कुटदे हन ओह अपने ही एक हिस्से नूं दुखी तंग अते पीड़ित करदे हन। कई लोग व्याह दी असफलता दे कई आधार दसदे हन पर ओह भुल जांदे हन कि मनुखां वांग व्याह कदी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। व्याह एक जिउंदा जागदा रिश्ता है जिस विच उतरावां चढ़ावां दा आउणा लाजमी हुंदा है। व्याह करना इस लई भी जरूरी है क्योंकि मनुख दा इकल्या रहना समाज लई नुकसानदेह हुंदा है। जिहड़े व्याह नहीं कर सकदे जां पति जां पत्नी वजों रोल नहीं निभा सकदे ओह होर किसी काम विच भी घट ही सफल हुंदे हन। व्याह दी सफलता लई सबर दी लोड़ हुंदी है। बेसबरापन हर थां नुकसान पछतावे असफलता अते उदासी नूं सिरजण अते हंडाउण दा कारण बनदा है। कहिंदे हन सफल व्याह मानण लई पति नूं अपने कन्न अते पत्नी नूं अपनियां अखां बंद कर लैणियां चाहीदियां हन। इह वी कहा जांदा है कि व्याह अखां खोल के करना चाहीदा है पर व्याह उपरंत अखां अद्धियां बंद कर लेनियां चाहीदियां हन। मुसीबत यह है कि बहुत लोग करदे बिल्कुल इस दे उल्ट हन। व्याह मनुख विच प्रकारक जां गुणात्मक तब्दीली लियांदा है। यह मूर्खां नूं सियाणे अते सियाणियां नूं मूर्ख भी बना दिंदा है। काली विच कीते व्याह दा सारी उम्र पछतावा रहिंदा है। जिहड़े औरत दी केवल सुंदरता नूं सामने रख के व्याह करदे हन उहनां दीआं रातां तां भावें रंगीन हुंदियां हन पर दिन बेरंग हुंदे हन। जदों दोवें धिरां वध तो वध पक्खां तो बराबर होण तां व्याह दी सफलता दी संभावना अक्सर वध जांदी है। जिहड़े लोग बहुत अधिक आसा नाल व्याह करदे हन ओह आलणे दी थां पिंजरा अते घर दी थां जेल उसार लैंदे हन। जिथे पत्नी जेल विच बंद कीती जांदी है
उत्थे पति की स्थिति भी बहुत चंगी नहीं हुंदी, वह जेलर बनिया रहिंदा है। व्याह पुरशां की मनुखता, विद्वान की विधवता, बहादुर की बहादुरी, मर्द की मरदानगी, औरत की ममता, सूझ सियाणप, सलीके की योग्यता, समर्था का इम्तिहान हुंदा है। ये फुल तो फल बनन का अमल हुंदा है।